पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो भीषण हादसे में 12 महिलाएं सहित तो एक ड्राइवर की मौत हुई है। कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता है। 13 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट, दुर्घटना स्थल पर ही हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो ऑटो रिक्शा और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। मध्यप्रदेश से हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, भीषण सड़क हादसा हुआ है ग्वालियर में, 13 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, बता देना चाहूंगा आपको धीरेन्द्र जी, ये जो बस और ऑटो में जो भंडत हुई है ग्वालियर और आगरा हाईवे पर ये भंडत हुई है, जहाँ एक ऑटो में 12 महिलाएं सवार थी और एक ऑटो चालक था, इनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। क्योंकि बस की रफ्तार तेज बताई जा रही है, काफी तेज रफ्तार थी, और जो महिलाएं, सारी महिलाएं खाना बनाने वाली महिलाएं थी, खाना बनाने के लिए कहीं जा रही थी, मौके पर इन लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतकों को जिला अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया है और उनका पोस्टमार्टम होगा। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी जांच में जुटे हुए हैं, मौके पर भी सभी पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। जी, जो मृतक हैं वो सभी लोग कहां के रहने वाले बताए जा रहे हैं? जी, इसकी अभी जानकारी ली जा रही है पुलिस अधिकारियों में से, किसी ने अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। अभी जांच का हवाला देते हुए कहा है, इसमें जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है कि ये कहां की सभी महिलाएं रहने वाली है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है, ये सभी महिलाएं जो है वो खाना बनाने का कार्य करती थी और खाना बनाने के लिए ही कहीं या जा रही थी। आदित्य, ऑटो में लगभग कितने लोग सवार थे और कितने लोग घायल भी हुए हैं, गंभीर रूप से कितने लोग घायल हैं? इसमें 10 महिलाओं की, इसमें लगभग सभी महिलाएं थी, एक ऑटो चालक था जो पुरुष था, ऑटो चालक की भी मौके पर ही मौत हुई है और 10 महिलाओं की भी मौके पर मौत हुई है। जो 2 महिलाएं बाकी बची थी, उनको रास्ते में जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस तरीके से टोटल 13 लोगों की ही मौतें हुई हैं। आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।